23 मई यानी कल सुबह 8 बजे अंबाला लोकसभा क्षेत्र की होने वाली मतगणना से पूर्व जिला सहायक निर्वाचन अधिकारी एवं एडीसी कैप्टन शक्ति सिंह ने मतगणना केंद्र और कंट्रोल रूम का पुनः निरीक्षण किया। बता दें नारायणगढ़ क्षेत्र के लिए बीपीएस प्लेनेटेरियम, अंबाला छावनी विधानसभा के लिए एसडी कॉलेज, मुलाना विधानसभा के लिए डीएवी रिवर साइड स्कूल और अंबाला शहर के लिए ओपीएस विद्या मंदिर स्कूल में मतगणना केंद्र स्थापित किए गए हैं, जिनका कैप्टन शक्ति सिंह ने दौरा कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और सभी केंद्रों पर तैनात अधिकारियों, पोलिंग एजेंट और सुरक्षा बलों को मतगणना से संबंधित उचित दिशा निर्देश दिए। सारी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। जिन जिन प्रत्याशियों ने काउंटिंग एजेंट्स के लिए अप्लाई किया था, वेरिफिकेशन के बाद उनके काउंटिंग एजेंट्स के आइडेंटिटी कार्ड इशू कर दिए गए हैं। उनको दिशा निर्देश दे दिए गए हैं कि काउंटिंग हॉल के अंदर किसी किस्म का मोबाइल फ़ोन, कैमरा, पेन एक्सेट्रा नहीं ला सकते। स्टेशनरी उनको यहीं से दी जाएगी। जो फॉर्म 17C या जो मशीनों का विवरण उनके पोलिंग एजेंट्स ने नोट किया था वो कागज़ पर लिख करके ला सकते हैं क्रॉस चेकिंग के लिए। उसके अलावा सभी टीम्स को ब्रीफ कर दिया गया है। काउंटिंग टेबल के स्टाफ की अपॉइंटमेंट हो गई है। अभी ऑब्जर्वर और कैंडिडेट्स की उपस्थिति में उसका रेंडमाइजेशन किया जाएगा ताकि ये पता लगे कि कौन सा काउंटिंग स्टाफ या सुपरवाइजर किस एसी में जाएगा। उसके बाद भी कल सुबह काउंटिंग शुरू होने से पहले फिर से रेंडमाइजेशन होगी और कल सुबह ही निर्धारित होगा कि कौन व्यक्ति किस टेबल पर काउंटिंग करेगा। उसके अलावा स्ट्रॉन्ग रूम जैसा कि आप देख रहे हैं 3-लेयर सिक्योरिटी के तहत है। सबसे अंदर की लेयर के अंदर पैरामिलिट्री फोर्सेज जो कि हमारे यहाँ BSF है, BSF के अधीन है। उसके आगे हरियाणा पुलिस की आर्म्ड, उसके अलावा बीच वाला जो रिंग है वो हरियाणा आर्म्ड पुलिस का है। तीसरा जो बाहरी रिंग है वो हरियाणा पुलिस का है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आई कार्ड के बगैर किसी को अनुमति नहीं दी जा रही है कहीं पर भी एंटर करने की। और हम उम्मीद करते हैं कि समय से काउंटिंग एजेंट्स की उपस्थिति में पूरी पारदर्शिता से, ट्रांसपेरेंसी से काउंटिंग का प्रोसेस शुरू होगा और काउंटिंग हम कर पाएंगे। पैट की जो पर्चियां 5 बूथ्स की जो मिलान है वो थोड़ा सा समय अधिक लेगा, बाकी काउंटिंग प्रोसीजर लगभग वही है। सबसे पहला पार्ट ये है कि जब मशीन टेबल पे आएगी काउंटिंग एजेंट्स को दिखाया जाएगा कि उसकी सील इंटैक्ट है। उसके बाद उस पर वही नंबर है जो नंबर उनके पोलिंग एजेंट ने नोट किया था पोलिंग के वक्त। सील जो लगी हुई है वो सील भी हटाने से पहले उन सील्स के नंबर भी वेरीफाई किए जाएंगे क्योंकि वो पोलिंग एजेंट्स ने नोट किए हुए हैं। वो नंबर्स उनको दिखाए जाएंगे। उस नंबर की तस्दीक होने के बाद ही उस मशीन की काउंटिंग शुरू होगी। वेरीफिकेशन करने के बाद टोटल वोट्स जितने उन्होंने नोट किए थे पोलिंग एजेंट्स को, उनको 17C की एक कॉपी दी गई थी पोलिंग के समय, उससे टोटल वोट्स टैली किए जाएंगे कि टोटल वोट उतने ही हैं और उसके बाद ही काउंटिंग होगी उस मशीन की। कैंडिडेट वाइज उसको नोट किया जाएगा। अगर किसी पोलिंग काउंटिंग एजेंट को अगर उसमें डाउट रह जाता है, लिखना भूल जाता है, तो उसको फिर से दोबारा रिजल्ट चला करके दिखाया जाएगा। सहायक निर्वाचन अधिकारी कैप्टन शक्ति सिंह ने बताया कि 23 मई को गिनती वाले दिन प्रत्याशियों, पोलिंग एजेंट, RO सहित मीडिया के बैठने की व्यवस्था की गई है। अंबाला लोकसभा में 9 मतगणना केंद्र स्थापित किए गए हैं। मतगणना केंद्रों की सुरक्षा के बारे में उन्होंने बताया कि जहां जहां भी ईवीएम मशीन सील बंद कमरों में रखी गई है वहां BFS के जवान, CRPF और हरियाणा पुलिस के जवान 3 घेरों में 24 घंटे कड़ा पहरा दे रहे हैं। इसी के साथ मतगणना केंद्रों के चारों तरफ CCTV कैमरों से भी नजर रखी जा रही है और प्रत्येक मतगणना केंद्र में बिना पहचान पत्र के किसी के भी दाखिल होने पर पूरी पाबंदी है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रथम तहलका।